गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब आप सोच रहे होंगे मैंने ये चित्र क्यों बनाया है ना। तो देखिए, पहले इसका नाम पढ़िए, अब तो आप लोग शब्द पढ़ना सीख गए होंगे, है ना। तो इसका नाम है ब र ख अ ख प्य की मात्रा, क्या हो गया बरखा। रा र प्य की मात्रा, ना ना पे किसकी मात्रा लगी है बड़ी, तो ये क्या हो गया राने। सबको मिलाकर पढ़िए क्या हुआ बरखा राने। अब आपकी बुक में एक पोएम दी है, ये देखिए क्या नाम है इसका बरखा रानी। तो आज हम लोग इसी पोएम को पढ़ेंगे, इसी कविता को पढ़ेंगे। पोएम को हिंदी में हम लोग बोलते हैं कविता, जिसका नाम है बरखा रानी। देखिए इस चित्र से ये आपको दिख रहा होगा ना, क्या है चारों तरफ बादल छाए हुए हैं, फिर बारिश हो रही है और ये एक गर्ल है, यहाँ पर एक लड़की है जो बारिश का मजा ले रही है। आप लोग भी लेते होंगे ना, जब बारिश होती है तो मजा आता है ना। कुछ लोग तो बहुत सारा भीगते भी होंगे, है ना। तो ऐसे ही इसको बहुत मजा आ रहा है जब ये बारिश हो रही है। तो पहले जब बारिश होती है तो क्या होते हैं, काले काले बादल आ जाते हैं, फिर बारिश होने लगती है, सारे पेड़ पौधे जमीन सब भीग जाती है ना। फिर बारिश के बाद कितना प्यारा मौसम लगने लगता है। यही सब देख इस लड़की को बड़ा मजा आया और ये फटाफट दौड़ के अपने घर से बाहर गई और डांस करने लगी, बारिश में भीगने लगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जो आपकी बुक में कविता दे रखी है बरखा रानी। तो बरखा रानी, ये आप चित्र देख ही रहे हैं, बरखा यानी उसकी उसका अर्थ होता है बारिश, है ना। अब ये लड़की डांस करते करते पोएम बोल रही है जिसका नाम है बरखा रानी। तो चलिए हम और आप भी इस पोएम को पढ़ते हैं, इस कविता को पढ़ते हैं जिसका नाम है बरखा रानी। तो देखिए आप अपनी बुक निकाल लीजिए, मैम के पास से उनकी बुक है, फिर हम लोग साथ में पढ़ेंगे, है ना। बरखा रानी आओ तुम, मैं पहले एक बार पढ़ूंगी उसके बाद कैसे पढ़ूंगी तब आप मेरे साथ रिपीट करिएगा, पहली बार में सुनिए। अपना जल बरसाओ तुम, बरखा रानी कहाँ से लाई इतना पानी, गर्मी दूर भगाती हो हम सबको हर्षाती हो, बरखा रानी आओ तुम धरती को नहलाओ तुम, वन में हरियाली लाओ अब सूखे खेत नहलाओ सब, बागों को महकाओ तुम बरखा रानी आओ तुम। कितनी प्यारी पोएम थी ना, यही ये लड़की इस कविता को गा रही है और बारिश में डांस कर रही है, कितना मजा आ रहा है इसे। तो चलिए हम लोग भी इसकी तरह पोएम को पढ़ते हैं, कविता को पढ़ते हैं और इस कविता का आनंद लेते हैं, है ना। चलिए एक लाइन मैं पढ़ूंगी, फिर एक लाइन आप बोलिएगा मेरे साथ बोलिएगा, ताकि आपको भी लर्न हो जाए, है ना। हाँ तो शुरू करें हम लोग अपनी कविता, आप भी बोलिएगा मैं भी बोलूंगी, है ना। बरखा रानी आओ तुम, बरखा रानी आओ तुम, अपना जल बरसाओ तुम, बरखा रानी कहाँ से लाई इतना पानी, गर्मी दूर भगाती हो हम सबको हर्षाती हो। यस राइट, आप भी रिपीट करेगा मेरे साथ। बरखा रानी आओ तुम धरती को नहलाओ तुम, वन में हरियाली लाओ। अब देखिए जैसे लड़की कह रही है कि वन में हरियाली लाओ, अब सूखे खेत लहराओ सब, बागों को महकाओ तुम बरखा रानी आओ तुम। तो फिर कैसी लगी ये कविता अजी दीना, लड़की क्या कह रही है बारिश से, बरखा रानी से क्या कह रही है ये कि बरखा रानी आओ तुम, बोलिए हे बरखा रानी तुम आओ अपना जल बरसाओ, यानी बरखा रानी तुम आओ और अपना जल बरसाओ यानी कि बारिश हो। फिर क्या करो, बरखा रानी कहाँ से लाई इतना पानी। ये लड़की बोल रही है कि बरखा रानी
है इतना पानी, कितना सारा जो पानी बरसता है वो तुम कहाँ से लाती हो? गर्मी दूर भगाती हो हम सबको हर्षाती हो। बोल रही है बरखा रानी से कि जब बारिश होती है तो क्या हो जाता है, गर्मी दूर भाग जाती है और सब लोग खुश हो जाते हैं ना। आप भी हो जाते होंगे, जब खूब सारी गर्मी पड़ती है तो आप लोग सोचते नहीं है कि अरे बारिश कब होगी। जब बारिश हो जाती है तो सब लोग खुश हो जाते हैं कि हाँ अब थोड़ा सा मौसम ठंडा हो गया है। तो ऐसे ही बोल रही है क्या, गर्मी दूर भगाती हो हम सबको हर्षाती हो। यानी जब बरखा रानी आती है, बारिश करती है और जो गर्मी पड़ती होती है वो दूर हो जाती है तो सब क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। फिर देखिए आगे क्या कह रही है ये, बरखा रानी आओ तुम धरती को नहलाओ तुम। यानी बरखा रानी तुम आओ और ये जो धरती है इसको क्या कर दो, नहला दो। क्योंकि देखिए जब बारिश होती है तो सारी धरती भीग जाती है ना, भीगती है ना। हाँ तो वही लड़की कह रही कि बरखा रानी तुम आओ इस पूरी धरती को क्या कर दो, नहला दो। फिर आगे क्या कह रही है ये, वन में हरियाली लाखों अब सूखे के नहलाओ अब। यानी बरखा रानी अब तुम आओ और क्या करो, वन में हरियाली लाओ। जब बरखा रानी आती है, जब बारिश होती है तो सारे वन कैसे हो जाते हैं, राइट, हरे भरे हो जाते हैं। तो वही ये कह रही है कि बरखा रानी अब आओ और सब वन को कैसा कर दो, हरा भरा कर दो। सूखे खेत लहराओ अब, यानी जो खेत सूखे हैं जब उनमें पानी डलेगा तभी तो उसमें से फसल आएगी। तो वो बोल रही है कि सारे सूखे खेतों में पानी डालो ताकि वो फिर से लहराने लगे, है ना। लेकिन ये सब बातें वो किससे कह रही है, बरखा रानी से कह रही है। बागों को महकाओ तुम बरखा रानी आओ तुम। कह रही है कि ये बरखा रानी, अरे बरखा रानी तुम आ जाओ और सारे बागों को क्या कर दो, लहरा दो। लहराने का मतलब क्या, जब बारिश आएगी तो क्या होगा। उन्होंने कहा कि बरखा रानी बागों को महकाओ तुम और बरखा रानी आओ तुम। यानी जब बारिश आएगी तो क्या होगा, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाएंगे, फिर उनमें से फूल निकलेंगे तो क्या होगा, सारा बाग महकने लगेगा। तो वही ये बोल रही है कि बरखा रानी तुम आओ सारे बागों को क्या कर दो, महका दो, है ना। तो यही सारी चीजें ये लड़की बरखा रानी यानी बारिश से कह रही है। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग इस कविता को पढ़ते हैं। लेकिन इस कविता को पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, एक बार फिर से इसको पढ़ना है और इस कविता को याद करके अपनी कॉपी में लिखना है। लेकिन चीटिंग नहीं कर रही है, याद करके लिखना है, ठीक है। तो चलिए इसको फिर से एक बार पढ़ते हैं। क्या है, बरखा रानी आओ तुम अपना जल बरसाओ तुम। क्या थी लाइक, बरखा रानी आओ तुम अपना जल बरसाओ तुम। फिर बरखा रानी, बरखा रानी कहाँ से लाती इतना पानी, गर्मी दूर भगाती हो हम सबको हर्षाती हो। बरखा रानी आओ तुम धरती को नहलाओ तुम, वन पे हरियाली लाओ अब सूखे के लहराओ सब। बागों को महकाओ तुम बरखा रानी आओ तुम। तेरा कितनी अच्छी कविता। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने कविता पढ़ी जिसका नाम था बरखा रानी। क्या नाम है जिसका, बरखा रानी। बरखा यानी कि बारिश, बरखा का अर्थ होता है बारिश। और बारिश तो सबको ही पसंद होती है ना। देखिए पशु पक्षी भी जब बहुत गर्मी होती है तो वो भी सोचते हैं कि बारिश हो जाए तो हम लोगों को थोड़ा सा आराम मिल जाए। वरना बेचारे पक्षी ऐसी धूप में घूमते रहते हैं भूखे प्यासे, जब बारिश होती है तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है। हाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कभी कभी, उन्हें दौड़ के अपने घर में जाना होता है। तो आप सोच रहे हो घर होता कहाँ है, उनका घर भी होता है घोंसले में। पक्षी कहाँ रहते हैं, घोंसले में रहते हैं ना, तो उनके पास भी उनके घर होते हैं जैसे आपके होते हैं। तो आज हम
आप लोगों ने पढ़ी परखा रानी कविता। आपको क्या करना है, इस कविता को याद करना है और अपनी कॉपी में लिखना है, और चीटिंग बिल्कुल नहीं करनी है, याद करके ही लिखना है ना, ताकि एग्जाम में जब आपके आएगा, जैसे कि एक लाइन आई बरखा रानी आओ तो, फिर खाली जगह बरसाओ तो। अब जब आपको कविता ही नहीं याद होगी तो आप कैसे लिखेंगे वहाँ पर अपना जल, नहीं लिख पाएंगे ना, फिर आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपके मार्क्स करना हो, आपको इस कविता को याद करना होगा, ताकि मैम आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, कोई भी प्रश्न पूछ ले, उसका आंसर आप फटाफट से दे पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको कविता याद होनी ज़रूरी है ना। तो ठीक है, आज हम लोगों ने पढ़ा पढ़ी कविता बरखा रानी। कल हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर, है ना। लेकिन उससे पहले आप इसको याद कर लीजिए, कैसे नहीं हम लोग आगे बढ़ते जाए और आप पिछला भूलते जाए। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, तब तक आपको क्या करना है, इस पोएम को याद करना है। ठीक है।